वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या व्हाट इज एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के बारे में। इस वीडियो में हम लोग फ्लोचार्ट के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोचार्ट क्या होता है, किस किस का, व्हाट इज द टाइप ऑफ द फ्लोचार्ट एंड फ्लोचार्ट का कौन सा सिंबल यूज होता है एंड फ्लोचार्ट में एग्जांपल कैसे लिखते हैं हम लोग, और एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट का क्या क्या डिफरेंस है, इस बारे में हम लोग आज आलोचना करेंगे। पहले है व्हाट इज द फ्लोचार्ट। फ्लोचार्ट ये फ्लोचार्ट इज द वे इन व्हिच ए प्रोग्राम इज एक्सप्रेस्ड यूजिंग सिंबल्स। मींस फ्लोचार्ट है जो प्रोसेस में चित्र और सिंबल का यूज करके हम लोग एक प्रोग्राम को क्या बोले एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको फ्लोचार्ट बोले। मींस जो भी एक प्रोग्राम वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और सिंपल हो सकते हैं, उसको सिंबल, कुछ स्पेसिफिक सिंबल है उस सिंबल यूज करके उसको एक्सप्रेस करने का जो तरीका है उसको फ्लोचार्ट बोलता है। टाइप ऑफ फ्लोचार्ट, दो टाइप का फ्लोचार्ट होता है, सिंबल सिस्टम फ्लोचार्ट, सॉरी सिस्टम फ्लोचार्ट एंड प्रोग्राम फ्लोचार्ट। सिस्टम फ्लोचार्ट के बारे में हम लोग को ज़्यादा कुछ जानने का कुछ भी जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोग्राम फ्लोचार्ट में ज़्यादा जानना पड़ेगा, समझने पड़ेगा। इस वीडियो में हम प्रोग्राम फ्लोचार्ट क्या है इसका बारे में ज़्यादा कुछ बोला, ज़्यादा नहीं बट कुछ बोला, लास्ट तक देखते रहिए। अभी क्या है, व्हाट इज द सिस्टम फ्लोचार्ट। सिस्टम फ्लोचार्ट किसको बोलता है ये थोड़ा समझ लीजिए। सिस्टम फ्लोचार्ट्स आर वे ऑफ डिस्प्लेइंग हाउ डाटा फ्लोज इन अ सिस्टम एंड हाउ डिसीजंस आर मेड टू कंट्रोल इफेक्ट्स। मींस जिस फ्लोचार्ट में कुछ कोई भी एक सिस्टम को जो डाटा होता है उसका कौन सा साइड में फ्लो हो रहा है, उसका क्या प्रोसेसिंग हो रहा है, कहाँ पे स्टोर हो रहा है एंड इसका रिजल्ट क्या कहाँ जा रहा है, कौन सा साइड में जा रहा है, उसका दिक चिन्हित करने का जो होता है, जिस फ्लोचार्ट का यूज करके हम लोग कर सकते हैं उसको बोला जाता है सिस्टम फ्लोचार्ट। एंड प्रोग्रामिंग फ्लोचार्ट, इसके बारे में हम लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग फ्लोचार्ट यूज फॉर राइट प्रोग्राम, मीन्स प्रोग्रामिंग लिखने के लिए जिस फ्लोचार्ट हम लोग तैयार करते हैं उसको बोलता है प्रोग्रामिंग फ्लोचार्ट। कुछ रूल्स है फ्लोचार्ट का, पहले दिखाई दे रहा है यूज स्पेसिफिक सिंबल, मींस हम बोला था पहले ही जो कुछ स्पेसिफिक सिंबल है जिस सिंबल यूज करके हम लोग को फ्लोचार्ट को लिखना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ सिंबल खुद से निकल के घुसा दीजिएगा तो नहीं होगा और गलत हो जाएगा। फ्लोचार्ट फ्लो ओनली अप टू डाउन और लेफ्ट टू राइट, मींस आप लिख सकते हैं ऊपर से नीचे में, एक पेज का ऊपर से नीचे तक लिख सकते हैं, लेकिन और लेफ्ट से राइट तक लिख सकते हैं, बाम से डाउन तक, लेकिन अब लेफ्ट राइट से लेफ्ट और डाउन से अप मीन्स कोई भी नहीं लिख सकते, अगर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कैन नॉट यूज एक्स्ट्रा सिंबल, अब मैंने बोल दिया एक्स्ट्रा सिंबल यूज नहीं कर पाओगे, कुछ स्पेसिफिक सिंबल है वो यूज करने पड़ेगा। कैन नॉट यूज एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें घुसा दीजिएगा तो नहीं होगा, सीधा वो जो इजी से सिंबल यूज करके फ्लोचार्ट लिखना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट वो बाद में हमें डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सिंबल के बारे में जान लेते हैं। सिंबल यूजिंग सिंबल, इस तरह का जो सिंबल दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सर्कल से ज्यादा तो एक का तरफ होता है। इस सिंबल जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसको स्टार्ट एंड एंड मीन्स वो कुछ भी एक प्रोग्रामिंग का फ्लोचार्ट लिखने जाओगे तो पहले जो स्टार्ट करेगा और लास्ट में जब एंड करोगी ना तब इस टाइम में वो इस तरफ का सिंबल यूज करना पड़ेगा, हम जो जो एग्जाम्पल दिखाएंगे तो पता चलेगा। और जो इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट लीजिएगा जब आउटपुट जाएगा तब इस तरीके का सिंबल यूज करना पड़ेगा। एंड जब प्रोसेसिंग होगा मींस आपको दो नंबर पकड़ लीजिए और दो नंबर का एडिशन निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा, तब आपको इसमें लिखना पड़ेगा स्टार्ट इनपुट ए बी एंड सम इक्वल टू ए प्लस बी, यही तो लिखना पड़ेगा ना, तब उसको बोला जाता है प्रोसेसिंग हो रहा है। मीन्स प्रोसेसिंग के लिए इस जो सम इक्वल टू ए प्लस बी इसका अंदर लिखना पड़ेगा, इस सिंबल यूज करना पड़ेगा।
एंड डायमंड वो कुछ भी मींस एक प्रोग्रामिंग का अंदर दो कंडीशन रहेगा, तो अगर आपको बोल दीजिएगा तो बोल देगा। तो जो क्या है, आपको दो नंबर दिया है उसका जो बड़ा है उसको निकालना पड़ेगा और छोटा निकालना पड़ेगा, तो तब बड़ा निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें इफ ए ग्रेटर देन बी लिख के येस और नो कौन कंडीशन ट्रू है कौन कंडीशन फॉल्स वो समझने के लिए वो लिख उसको लिए ये सिंबल है। ये तो सबके कनेक्ट करने के लिए ये सिंबल है। इस सिंबल कनेक्शन कनेक्टिंग सिंबल, इस सिंबल अगर आप प्रोग्राम फ्यूचर कर रहे हैं और फ्यूचर करने के बाद पेज खत्म हो जाएगा तो आपको दूसरा पेज में जाने पड़ेगा। तो दूसरा पेज में जाने के लिए आपको जिसमें खत्म हुआ पेज उसका उस प्लेस में आपको ऐसा वाला एक सिंबल कर देना पड़ेगा। ये सर्कल का सिंबल है, इसका तरफ नहीं है, ये दो अलग है, इसका तरफ नहीं होगा, इसका ये अलग है, इसका ये एक सिंबल बैठने पड़ेगा। फिर जिस पेज में स्टार्ट होगा इस पेज में इस ऐसा तरफ एक सिंबल बैठने पड़ेगा। अगर जो खदा आपको किताब देखेगा उसको पता चलेगा जो क्या है, इसमें खत्म हुआ है, इसमें फिर स्टार्ट किया तो पता चलेगा। अगर आप नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। लेकिन आपको मन में आ जाते हैं हम दूसरा पेज में फिर लिखेंगे, ऐसा करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। एक एग्जाम्पल हम दिन लोग देखेंगे, इसमें फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स पहले ही मैं बोला था। जब स्टार्ट करेंगे तो आप ऐसा वाला सिंबल लेंगे स्टार्ट एंड रीड ए बी, मीन्स ए इनपुट इनपुट के लिए, इनपुट के लिए ए सिंबल ही है जो मैं बोला था। बेस इस प्रोसेसिंग के लिए सम ऑफ ए प्लस बी ऐसा सिंबल, इसके बाद फिर आउटपुट, आउटपुट के लिए ए सिंबल, ए सिंबल सेम है, ए सिंबल सेम है, एंड एंड फर्स्ट एंड लास्ट एंड सेम सिंबल है। ऐसे ही एल्गोरिथम सॉरी फ्लो चार्ट लिखना पड़ेगा, ऐसा ही लिखा होता है, यही है रूल है एल्गोरिथम लिखने का। और एक एग्जांपल हम दिखा देते हैं, इसमें दिखाई दे रहा है फाइंड द लार्ज नंबर बिटवीन टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का अंतर कौन सा ज़्यादा बड़ा है कौन सा छोटा है, यही दिखाने पड़ेगा। पहले स्टार्ट इस सिंबल में बोला था, जिस सिंबल यूज करने पड़ेगा पहले बार भी पहले एग्जांपल में दिखाई दिया स्टार्ट, उसके बाद इनपुट ए वी ले लिया, उसके दो कंडीशन है। हम लोग को पता नहीं तो जो कौन सा इंटीजर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम लोग एक को बड़ा पकड़ लीजिए ए ग्रेटर देन बी, अगर वो कंडीशन जब चेक होगा तब तो अगर ए बड़ा होगा तो अब यस होगा तो प्रिंट करेगा ए, और छोटा होगा तो प्रिंट करेगा बी। अगर वो ये कंडीशन अगर गलत होगा तो प्रिंट करेगा बी, अगर ये वो सच्चे होगा तो प्रिंट करेगा ए। एंड इसको कनेक्ट कर दीजिएगा, इसमें ड्रैग करने का कुछ भी जरूरत नहीं है, इस उसको सर्कल ऐसे ही रहेगा, ऐसे वाला कुछ भी नहीं है, ऐसे एक छोटा एरो चिन्ह दे दीजिएगा तब हो जाएगा लास्ट में एंड। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, इसमें एक स्लाइड है जो डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। पहले वीडियो में आप लोग जो पहले वीडियो दिखा उसमें एल्गोरिथम हम समझ दिया क्या होता है कैसे लिखा जाता है, लेकिन इस वीडियो में फ्लो चार्ट का एल्गोरिथम के साथ फ्लो चार्ट का डिफरेंस क्या है इस हम लोग को जानना पड़ेगा। तो अगर पहले वीडियो देख लिए तो पता चल जाएगा क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, तो मैं बोल दे रहा हूँ। डेफिनेशन पहले एल्गोरिथम का जो डेफिनेशन था फ्लो चार्ट का डेफिनेशन, ये दो डेफिनेशन आप बैठा दीजिएगा तो हो जाएगा एक डिफरेंस। अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम से एल्गोरिथम अंडरस्टैंडिंग के लिए मीन्स कुछ भी समझने के लिए एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट ईजी होता है, एल्गोरिथम से फ्लो चार्ट ईजी होता है, जो भी एल्गोरिथम ऐसे ही ईजी एंड फ्लो चार्ट उससे ज़्यादा ईजी है। फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एल्गोरिथम में कौन कौन दिग में फ्लो हो रहा है प्रोग्रामिंग हम लोग को पता नहीं चलता है, लेकिन फ्लो चार्ट में पता चलता है। एरर फाइंडिंग एल्गोरिथम में एरर कहाँ है वो ढूंढने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा इतना आसान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हम ज़्यादा आसान है। ये हो रहा है मेरा डिफरेंस एल्गोरिथम एंड फ्यूचर का डिफरेंस है। इस तक वीडियो ख़त्म हो रहा है, थैंक यू माई वॉचिंग दिस वीडियो। बाद में जो दूसरा वीडियो आ रहा है तो उस देखते रहिए।